हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ईपीएस एकेडमी। तो आज की हमारी वीडियो है क्लास टेंथ की मैथमेटिक्स का जो चैप्टर है हमारा प्रोबेबिलिटी, तो उससे रिलेटेड है। तो लास्ट वीडियो हमने इसके सारे कॉन्सेप्ट को सीखा था और इसमें जितने भी एग्जांपल्स थे उनको कराया था। और आज की जो वीडियो है उसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 15.1 में जो क्वेश्चन हैं, लगभग आपके 20+ क्वेश्चन 24 के आसपास, उसमें से आपको एक दो क्वेश्चन नहीं करना है, बाकी क्वेश्चन करना है, ठीक है। तो इस पूरी वीडियो में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही कवर करूंगा, सारे क्वेश्चन कवर नहीं करूंगा क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी। और जितना मैं बता रहा हूं उतना ही आपके लिए सफिशिएंट होगा और बाकी आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए, इस पूरी वीडियो में एक्सरसाइज करेंगे 15.1। फिर भी अगर आपको लगता है कि कोई भी पर्टिकुलर क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो देखिए, ये हमारा, अगर आप एनसीईआरटी बुक को, अपनी मैथमेटिक्स की बुक को ओपन करेंगे तो एक काम और करें आप कि आप अपनी मैथमेटिक्स की जो एनसीईआरटी है उसको सामने रख लें और साथ में एक क्या ले लें, पेन ले लें, और साथ में लास्ट वीडियो के हिसाब से आप जो है वो एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं तो उसको मैं देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, ये पूरा जो मैंने थ्योरी समझाई थी उससे रिलेटेड है। तो अगर हम यहाँ पर बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट नॉट ई, ये हमेशा क्या होती है, वन होती है, क्योंकि ये कौन सा वाला है, ये आपका है प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, ठीक है, ध्यान रखिएगा, नॉट ई बोलते हैं इसको, और ये होती है हमेशा वन, इसको बोलते हैं टोटल प्रोबेबिलिटी, क्या होती है हमेशा वन। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, अब सेकंड देखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, जो कभी इवेंट हो नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, जीरो होगी। और सच एन इवेंट, और इस इवेंट को क्या कहते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं, ये मैंने आपको बताया था कल, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो लास्ट वीडियो थी उसमें मैंने आपको बताया था। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट इज सर्टेन टू हैपन, जो हमेशा होगी उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सर्टेन इवेंट की प्रोबेबिलिटी वन होती है और इस इवेंट को कहते हैं श्योर इवेंट कहते हैं, ठीक है, श्योर इवेंट और सर्टेन इवेंट। अब देखें, द सम ऑफ प्रोबेबिलिटीज ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट एक्सपेरिमेंट इज, ये भी वही होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमेशा वन होगी। नेक्स्ट देख लेते हैं, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर देन और इक्वल टू एंड लेस देन और इक्वल टू, ठीक है, ठीक है। कोई, मैंने कल एक आपको फॉर्मूला बताया था कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी, वो हमेशा वन या उससे कम होगी, जीरो या उससे ज़्यादा होगी, जीरो से कम नहीं हो सकती और वन से ज़्यादा नहीं हो सकती। तो यहाँ कह रहे हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगी, जीरो होगी, एंड लेस देन और इक्वल टू वन होगा यहाँ पर। तो ये क्वेश्चन आपके, क्योंकि यहाँ पर आपका फिल इन द ब्लैंक्स आ सकता है इसलिए मैंने इसको करा दिया, बाकी जो है ये आप खुद कर लेना, ठीक है। और ये जो है ये भी आप रहने दो, यहाँ से मैं स्टार्ट करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए, फोर अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर को, तो फोर आपका हो जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो ये क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन बोर्ड में भी आते हैं, आपके स्कूल्स में भी आते हैं, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर में जो कह रहे हैं कि कौन सी प्रोबेबिलिटी नहीं होती, अगर हम ऑप्शंस को ध्यान से देखें, अगर हम ए ऑप्शंस को चूज करें तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, 2/3। बी ऑप्शन को देखें, देखिए कभी कभी आपको ऑप्शन एलिमिनेट करना भी आना चाहिए, ठीक है, जो आपको आगे बहुत काम आएगा, 15%, ओके। और ये जो है डी क्या है आपका, 0.7। तो यहाँ कह रहे हैं कैन नॉट, ध्यान रखना कैन नॉट है, कौन सी नहीं हो सकती, ये आपको यहाँ पर बताना है। अब देखिए, अगर आप ध्यान दें तो मैंने अभी आपको यहाँ ये फॉर्मूला लगवाया है कि कोई भी प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमेशा जीरो, वो वन या उससे कम होती है, वो प्रोबेबिलिटी। इसको दोबारा लिखें, देखिए इस सेंटेंस को मैं दो पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ, एक बार ऐसे और एक बार इसके साथ, और ये हमेशा जीरो से ज़्यादा होगी। इसका मतलब, जीरो से ज़्यादा होने का मतलब, वो कभी भी निगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, क्या वो एक से ज़्यादा हो सकती है, नहीं हो सकती है, तो जीरो से वन के बीच में होगी। अगर हम नंबर लाइन को देखें, नंबर लाइन जो आपने क्लास एट में पढ़ी थी, तो जीरो यहाँ पर आएगा, वन यहाँ होगा, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो हमेशा यहाँ से स्टार्ट होगी और यहाँ तक होगी, और इधर जो होती है पूरी निगेटिव लाइन होती है, और ये हमेशा वन से बड़ा हो गया, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा इसके बीच में होगी, यहाँ पर 0 to 1, ठीक है। तो यहाँ देखिए, ये नेगेटिव, ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, 0.67 आएगा ये वैल्यू, ये हो सकती है नेगेटिव है, ये नहीं हो सकती, ये कितना आ जाएगा, 0.15 आ जाएगा, 15/100 करोगे, ये वैल्यू वैसे भी आपको पता है 0.7 है, और क्या है, ये लेस देन वन है, ये आपकी क्या है, लेस देन वन है, ये आपकी क्या है, लेस देन वन है, और ये नेगेटिव है, तो ये वैल्यू नहीं हो सकती। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वी आपका, बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, देखो पी ई दिया है आपको, क्या दिया है, आप ऐसे लिखेंगे पी ई इज इक्वल टू 0.05, आपसे पूछ रहे हैं कि व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी नॉट ई,
ई बार लिख लो, या फिर इसको ऐसे भी आप ले सकते हो, नॉट ई, इस तरह से आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसकी वैल्यू आपको निकालना है। अब आपको क्या करना है, देखिए आप क्या करेंगे, पी ई प्लस पी ई बार, इस तरह से आप लिखेंगे इसको, और ये वन, यही तो हम फॉर्मूला जानते हैं। हमें क्या दिया है, हमें पी ई की वैल्यू दी है। पी ई की वैल्यू कितनी दी है, 0.05, प्लस आपको क्या निकालना है, पी नॉट ई निकालना है, ये वन हो गया, तो पी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा, वन माइनस ये चीज़ उधर चली जाएगी 0.05, उसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.95 यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हमारी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई कितना आ गया हमारा, 0.95 आ गया। तो ये भी आपका क्वेश्चन हो गया 5, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको मैं रेज कर देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अगर आपको जो है वो एक काम करें, अगर आपको क्वेश्चन पहले से आता है तो वीडियो को पॉज कर लें, उसके बाद आप खुद से सॉल्व करें रफ कॉपी में, आपको साथ साथ सॉल्व करना है, ठीक है। मुझसे पहले भी करना है, अगर पहले ना करें तो एटलीस्ट आपको साथ में सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, अ बैग कंटेन्स लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज। देखो अब यहाँ पर कोई बैग है, ठीक है, ये बैग है हमारा, ठीक है, इसमें क्या है, लेमन फ्लेवर्ड, तो क्या है, लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज है, ठीक है। लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज मतलब जो कैंडीज हैं उनका फ्लेवर कैसा है, लेमन का है। अब यहाँ से क्या करें, मालिनी एक कैंडी को निकाल रही है, ठीक है, वन कैंडी इज टेकन आउट, ठीक है, वन कैंडी इज, मालिनी टेक्स आउट वन कैंडी विदाउट लुकिंग इनटू द बैग। तो बैग के अंदर नहीं देखना है, क्योंकि हमें पता चल जाएगा, देख लेंगे तब तो हमें पता चल जाएगा ना कौन सी लेमन की, कौन सी किसी और की। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी शी टेक्स आउट, तो आपको बताना है फर्स्ट में कि वो जो बाहर निकाल रही कैंडी की, कैंडी को, वो ऑरेंज फ्लेवर की होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। एक तो ऑरेंज फ्लेवर्ड, ठीक है, मैं ऑरेंज फ्लेवर्ड, ओके, तो आप बताओ मुझे। तो हमेशा हमारा जो फॉर्मूला होता था, नंबर ऑफ नीचे जो भी होगा, ठीक है, लेकिन ऊपर आपका क्या होगा, क्योंकि इसमें लेमन फ्लेवर्ड की कंडीज हैं, यहाँ पर ऑरेंज की कभी नहीं हो सकती, तो यहाँ पर आपका, यहाँ पर हमें नंबर से मतलब नहीं, हो सकता ये 50 हो, 100 हो, जो भी हम मान लेते हैं n है, तो यहाँ पर ऊपर तो हमेशा 0 होगा, क्यों, क्योंकि ऑरेंज फ्लेवर्ड तो उसमें है ही नहीं, तो ऑरेंज फ्लेवर्ड होने की जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। अब यहाँ से क्या कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आप बताओ सेकंड वाले में लेमन फ्लेवर्ड कैंडीज, ठीक है, लेमन फ्लेवर्ड, ओके, लेमन फ्लेवर्ड निकालना है, तो आप मुझे बताओ कि यहाँ पर जो भी होगी एन, ऊपर फेवरेबल वेज कितने होंगे, ऊपर फेवरेबल वेज भी तो एन ही होंगे, क्योंकि हम कोई भी कैंडी निकालें, हर कैंडी लेमन की होगी, तो ऊपर भी क्या आ जाएगा, वन, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसकी प्रोबेबिलिटी हमेशा वन होगी। अब मुझे बताओ, जिसकी अगर इसकी जीरो हो रही तो उसको क्या बोलते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, क्योंकि जो चीज़ बैग के अंदर है नहीं, वो कभी भी नहीं निकाल सकते आप, पूरी ज़िंदगी आप कैंडी निकालते रहो, कभी भी ऑरेंज कैंडी मिलेगी नहीं, ऑरेंज फ्लेवर्ड कैंडी मिलेगी, क्योंकि वो उसके अंदर है ही नहीं, जब है नहीं तो इम्पॉसिबल हो जाएगा। और इसको क्या बोलेंगे, श्योर इवेंट बोलेंगे, आप कोई भी कैंडी निकालो, चाहे पहली बार में निकालो, चाहे आप 1000 टाइम निकालो, हर बार में कौन सी कैंडी आएगी, लेमन फ्लेवर्ड कैंडी ही आएगी। तो आपको आई होप कि 6 क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है, 7th क्वेश्चन नंबर 7, आप देखो ये कह रहे हैं, इट इज गिवन दैट द ग्रुप ऑफ अ 3 स्टूडेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो 3 स्टूडेंट है, ठीक है, यहाँ कितने स्टूडेंट हैं, 3 स्टूडेंट। अब इन 3 स्टूडेंट्स में 2 स्टूडेंट्स के, जो 2 स्टूडेंट्स हैं, देखो बर्थडे उनका बात करें, 2 स्टूडेंट्स का, देखो 2 स्टूडेंट्स नॉट हैविंग द सेम बर्थडे, नॉट हैविंग सेम बर्थडे, क्या हो जाएगा, ये 0.992 होगा, 0.992 होगा, ठीक है, 2 स्टूडेंट। What is the probability that the two students have the same birthday? तो आपको बताना है कि probability बताना है same birthday होने की। देखिए कितना आसान है, लेकिन उसको word में दे दिया, जब words के form में दे दिया तब आपको थोड़ी सी यहाँ दिक्कत हो सकती है। आप याद करिए अपने basics को, आप कभी मत भूलिए। तो देखिए क्या हो जाएगा, probability of same birthday plus probability of not same birthday। ये सेम बर्थडे का हम क्या करेंगे, बार लगा देंगे, सेम बर्थडे का बार लगा दो, ये वैल्यू हमें से क्या होगी, वन होगी, ऑलवेज वन। तो नॉट हैविंग सेम बर्थडे मतलब इसकी वैल्यू इन्होंने यहाँ दे रखी है, क्या दे रखी है, 0.992, इसकी वैल्यू हमेशा वन है यहाँ पर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे में निकालना है, सेम बर्थडे
ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेम बर्थडे क्या हो जाएगा, 1 - 0.992, ये वैल्यू कितनी है, 0.008, ये आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो आई होप कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर ले सकते हैं ना, और आने वाले टाइम में कुछ मैं लाइव सेशंस लूँगा जिसमें आपके क्वेश्चन आंसर मैं पूछूंगा, ठीक है, तो उसका आप थोड़ा सा वेट करें। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, 8 क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 करें, आप बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, कोई भी बैग है हमारे पास उसके अंदर क्या है, 3 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स, ये बॉल्स हैं 5 ब्लैक बॉल्स हैं। अब कह रहे हैं कि इसके अंदर से हमने क्या करा, एक बॉल को, वन बॉल इज ड्रॉन। देखिए साथ साथ मैं आपको थोड़ा सा प्रेजेंटेशन का तरीका भी दिखा रहा हूँ कि आप जो है वो प्रेजेंटेशन कैसे आपको करना चाहिए, जैसे मैं प्रेजेंट करूँ, अगर आप ऐसे प्रेजेंट करोगे तो आपको 100% नंबर मिलेंगे, गारंटी इस बात की। ठीक है, आपको प्रेजेंट करने का तरीका, प्रेजेंटेशन जितना बेटर होगा, और आप थोड़ा सा अगर ये क्वेश्चन मान लो एक नंबर में आता है तब बॉक्स नहीं बनाऊंगा, 2, 3, 4 नंबर में आएंगे तो एटलीस्ट मैं ये बॉक्स बनाऊंगा, और ये यहाँ पर ऐसे प्रेजेंटेशन जो आप पढ़ रहे हो, हमने क्या करा, जो क्वेश्चन हमने 8 पढ़ा उसको हमने पिक्टोरियल फॉर्म में क्या कर दिया, प्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए ये कितने कितने टोटल कितने हो जाएंगे, टोटल हमारे यहाँ पर 8 बॉल हो जाएंगे क्योंकि टोटल हमें चाहिए। अभी यहाँ पर फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, करें कि अ बॉल इज रैंडमली ड्रॉन फ्रॉम द, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ड्रॉन इज रेड और नॉट रेड, रेड होनी चाहिए और नॉट रेड होनी चाहिए। अब आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, वो फॉर्मूला याद करिए, हमेशा लिखना है आपको, अगर ये क्वेश्चन 2 से ज़्यादा नंबर में आता है, 2, 3, 4 दो या उससे ज़्यादा, यहाँ लिखना है ऑल, है ना, ऑल पॉसिबल, या नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल बोल सकते हो, ऑल पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल वर्ड इम्पॉर्टेंट, पॉसिबल आउटकम्स फॉर इवेंट ई, इवेंट ही बोल दो, ऊपर क्या बोलोगे, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, या फेवरेबल वेज लिख सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स ऑफ एन इवेंट ही, ओके, ये फॉर्मूला आपको हमेशा लिखना है, यहाँ पर हमेशा लिखना है। अब देखें यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो हमसे पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताओ रेड होने की, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड क्या हो जाएगी, नीचे देखिए क्या आएगा, टोटल कितने, टोटल और देखो बॉल निकालना है तो क्या कितनी बॉल आ सकती है, 8 बॉल निकाल सकते हैं, कोई भी आ सकती है, तो नीचे तो हमारा 8 हो जाएगा, है ना। आप इस फॉर्मूले को अगर और मॉडिफाई करो, क्या लोग, ऑल पॉसिबल आउटकम्स फॉर एन इवेंट लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो कि उसमें हमें बॉल्स निकालने, टोटल नंबर ऑफ बॉल्स नीचे लिख सकते हो टोटल नंबर ऑफ बॉल्स, ठीक है, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, और ऊपर रेड बॉल निकालना है तो रेड बॉल आने की प्रॉब्लम कितनी है, रेड कितनी है, 3 है, तो 3/8 हो जाएगा इसका फॉर्मूला, क्या इसका आंसर क्या हो, 3/8। अब कह रहे हैं कि नॉट रेड, तो नॉट, एक तो फॉर्मूला आप वही लगा सकते हो कौन सा, टोटल वाला, PR + P₀ = 1, या फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, डायरेक्ट किया जाएगा 8 तो नीचे हो गई होगा। अब नॉट रेड कितनी है, जो बॉल रेड है ही नहीं वो कितनी है, आपके यहाँ पर 5 है, ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को आप कर सकते थे PR + P₀ + PR, किसी को भी पहले ले सकते हो, ये 1 हो जाएगा, P₀ = क्या हो जाएगा, 1 - PR, तो PR कितना, 3/8, जब इसको सॉल्व करेंगे एलसीएम लेंगे 8, तो ये होगा 8 - 3 = 5 बचेगा, तो आंसर वही आपका आ गया, सेम टू सेम, ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। चलिए मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कराता हूँ, क्वेश्चन नंबर 9 आप देखें, क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो कह रहा है अ बॉक्स कंटेन 5 रेड मार्बल्स 8, देखिए अब मैं वो फॉर्मूला है उसको मैं बार बार नहीं लिखूंगा, आपको लिखना है जब भी आपको, क्योंकि एक ही क्वेश्चन आएगा आपका प्रोबेबिलिटी का, आपको बार बार लिखना है, मैं आपको बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि यहाँ पर टाइम आपको ध्यान रखना है, बहुत लंबी वीडियो नहीं बनानी है। अब इसके अंदर मैं थोड़ा सा स्पीड पकड़ रहा हूँ, 5 रेड बॉल, ठीक है, 5 रेड बॉल हैं, 8 आपकी वाइट बॉल हैं, 4 क्या हैं आपकी ग्रीन बॉल्स हैं, आप यहाँ टोटल करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका, 13 + 4 कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा, ठीक है, 17 आपकी 5 रेड बॉल, ठीक है, हाँ 1 मार्बल आपको यहाँ से क्या करना है, 1 मार्बल आपको निकालना है, 1 मार्बल, ठीक है, 1 मार्बल को आपने क्या किया, यहाँ से निकाल लिया, टेकन आउट, ठीक है, आपको बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मार्बल टेकन विल बी रेड, तो आपको बताना है कि मार्बल क्या होना चाहिए, रेड होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी बतानी है, तो रेड मार्बल के नीचे कितना होगा, टोटल 17 होगा, रेड मार्बल किसने है आपके, 5 है, ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है,
ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट कह रहा है कि आपको बताना है वाइट मार्बल की प्रोबेबिलिटी। तो वाइट मार्बल देखिए नीचे क्या होगा, 17 होगा, ऊपर कितना हो जाएगा 8, क्योंकि यहाँ पर वाइट मार्बल कितने 8 है। थर्ड आप देखो, थर्ड आपका क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है नॉट ग्रीन, ध्यान रखिएगा नॉट ग्रीन। तो ऐसी कितनी मार्बल हैं जो ग्रीन नहीं है, नीचे 17 आएगा तो ग्रीन ये हो गया, तो ये छोड़ के बाकी हमें काउंट करना है 13, ठीक है। और ग्रीन बोल लेता, मान लो कि यहाँ पर कह रहा है कि ग्रीन होने का आपको बताना है, तो ग्रीन होने कितना हो जाएगा 4/17, बस आप ध्यान रखना आपसे पूछा ये गया तो ये आपको बताना है, जैसा पूछ रहे हैं वैसा आपको बताना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे कह रहे हैं कि अब पिगी बैंक, कोई पिगी बैंक है, ठीक है, यहाँ पर मान लो ये पिगी बैंक होगी, इसके अंदर 50 पैसे कॉइन है, मतलब कितनी 100 50 पैसे कॉइन, तो यहाँ पर भी 50 पैसे कॉइन कितनी है 100 है ना, और 50 1 रुपी कॉइन है, तो 1 रुपी कॉइन कितनी है, 1 रुपी कॉइन कितनी है 15, और आपकी कितनी है 50 1 रुपी कॉइन है 22 रुपीस कॉइन, तो 2 रुपीस कॉइन कितनी है 20 है, एंड 10 कितनी है आपकी 5 रुपी कॉइन है 5 रुपी कॉइन है। तो ये डिनोमिनेशन दिया ये वाला, लेकिन हमें टोटल से मतलब है, तो टोटल हमारा यहाँ पर है, टोटल निकालने कितना हो जाएगा 150 और 80, 180 हो जाएगा टोटल, 180 हो गया। हमसे कह रहे हैं कि अब यहाँ पर आ जाओ, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट, हम यहाँ कह रहे हैं कि इन्होंने क्या करा है, इफ़ इट इज़ इक्वली लगी, ठीक है, व्हेन द बैंक इज अपसाइड, आपको क्या कर रहे हैं कि बैंक जो उसको पिगी बैंक को आप उल्टा करेंगे, मतलब गुल्लकदानी जो नहीं होती उसकी बात करें, तो उसमें से कुछ कॉइन निकल सकते हैं, ठीक है। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताना है कि जो कॉइन निकले वो 50 पैसे की हो और वो विल नॉट बी 5 रुपी कॉइन। सबसे पहले 50 पैसे कॉइन की बात करें तो प्रोबेबिलिटी आपसे कह रहे हैं कि 50 पैसे की कॉइन हो। तो देखिए नीचे हमें सही फार्मूला आपको पहले लिखना है, वो मेन फार्मूला वो आपको लिखना ही लिखना है, वो मैं अब दोबारा नहीं बताऊंगा आपको, एक ही अब बता रहा हूँ, हर क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद आपको यहाँ पर आना है। तो 180 टोटल तो हमारा क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा टोटल, और ऊपर हमारे का 50 पैसे की कॉइन कितनी, 50 पैसे की कॉइन 100 है, तो इसको सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना हो जाएगा आप इसको, अब इसको आप जो है वो कट भी करेंगे, हैं सिंप्लीफाई करेंगे, तो 2 5s और 2 9s है, तो 5/9 इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट। अब इसके बाद आप सॉल्व ना करें कोई दिक्कत नहीं है ना, 5 रुपए की नहीं होनी चाहिए, नॉट 5 रुपी कॉइन होनी चाहिए। अब मुझे बताओ नीचे तो हमेशा 180 आएगा, अब ऐसी कॉइन देखो जो 5 रुपी नहीं है, तो 5 रुपी कितनी थी 10 थी, 10 को हटा दो बाकी कितनी देंगे, ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा 17/18, ये आपका 17/18 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। 11 कहना गोपी बायज अ फिश फ्रॉम द शॉप फॉर हिज एक्वेरियम, द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश एट रैंडम फ्रॉम द टैंक कंटेनिंग 5 मेल फिश और 8 फीमेल फिश थी। तो एक एक्वेरियम है उसके अंदर क्या है, ठीक है, ये हमारा कोई एक्वेरियम है, इसके अंदर क्या है 5 मेल फिश हैं और 8 जो है वो फीमेल फिश हैं, ठीक है, मेल फिश एंड फीमेल फिश, ठीक है। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट फिश टेकन आउट इज मेल फिश, ध्यान रखिएगा जो पूछा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पहले तो टोटल निकाल लो, टोटल कितना हो जाएगा आपका, टोटल जो आपका हो जाएगा 13 हो जाएगा, टोटल फिश कितनी है 13 फिश, ठीक है। अब हमसे कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी बताने हैं कि वो मेल फिश हो, मेल यहाँ से क्या करा है उसने एक फिश निकाली, वन फिश उसने बाहर निकाली, तो मेल फिश आपको बतानी है कि मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। कैसे बताएंगे देखिए, बताना है आपको मेल फिश होने की प्रोबेबिलिटी जो हो जाएगी, नीचे तो हमेशा टोटल लगा, इससे पहले आपको फॉर्मूला लिखना है, तो नीचे कितना हो जाएगा 13, ऊपर मेल फिश कितनी है, ऊपर मेल फिश आपकी 5 है, तो 5 कर दो, 5/13 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। अब चलिए 12 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। 12 कह रहा है गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंट एट वन ऑफ द नंबर्स 1 2 3 4 5 6 8। तो नंबर्स हमारे क्या हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ये हमारे नंबर, टोटल नंबर कितने, तो यहाँ से टोटल नंबर्स हो जाएंगे, टोटल नंबर्स हमारे 8 हो जाएंगे, ठीक है। दीज आर इक्वली लाइकली, मतलब कहीं पर भी वो आ सकता है, तो ये जो आता नहीं है, ठीक है, जो आपका विनिंग एरो है जो, वो कहाँ पर आएगा, वो कहीं भी आ सकता है, इक्वली है, हर जगह बराबर आ सकता है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ये 8 पे पॉइंट हो, ऑड नंबर पे हो, एंड नंबर ग्रेटर देन 2 हो और नंबर लेस देन 9 हो। अब आप ध्यान दें,
देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इससे आपके बहुत सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, फॉर्मूला हमेशा हमेशा लिखेंगे आप, ठीक है, फॉर्मूला लिखोगे। सेकंड नंबर पे आपको क्या करना है, सेकंड नंबर पे आपको बताना है कि वो एट पे पॉइंटेड हो, प्रोबेबिलिटी दैट द एरो पॉइंटेड टू द एट। तो एट पे आप देखो, देखो टोटल नंबर कितने, एट है, लेकिन यहाँ पर एट नंबर कितने टाइम्स है, ओनली वन टाइम्स है, तो एट पर आने की प्रॉबिलिटी जाएगी 1/8। ध्यान रखिए, तो एट कितने बार आएगा, एक ही तो बार है एट, लेकिन टोटल नंबर्स कितने हैं, टोटल नंबर्स की बात करें, टोटल नंबर एट कितने बार है, ओनली वन टाइम्स है, तो 1/8 हो जाएगा। सेकंड की अगर बात करें यहाँ पर ऑड नंबर की, अब देखो ऑड नंबर्स, लेकिन नीचे हमेशा एट ही आएगा, हमेशा याद रखना। अब यहाँ से ऑड नंबर देखो 1, 3, 5, 7, तो ये ऑड नंबर कितने, फोर ऑड नंबर है, तो ये कितने हो जाएगी 1/2। फेवरेबल वेज के हमसे कह रहे हैं कि ऑड नंबर आए, ऑड नंबर आने का मतलब फेवरेबल वेज है। अगर ये हमारे फेवरेबल वे कितने हैं, टोटल फेवरेबल वे जो हमारे हैं ये वो 4 है। ऐसे ही हम क्या कह रहे हैं कि नंबर ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अब यहाँ पर प्रोबेबिलिटी बताना है कि नंबर जो है वो ग्रेटर देन 2 हो, तो ग्रेटर देन 2, देखिए नीचे हमेशा 8 आएगा, 2 से ज़्यादा नंबर कितने हैं, देखिए 2 इनको छोड़ देना है, बाकी जो नंबर हो जाएंगे वो 2 से ज़्यादा हो जाएंगे, कितने 6 नंबर हैं, तो 6/8, तो 2 आपका हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, 3/4, ठीक है, ये 3 है, 3/4। नेक्स्ट बात कर लें, कह रहे हैं कि नंबर लेस देन 9 होना चाहिए, नंबर लेस देन 9, अब मुझे बताओ ये तो 8 हो जाएगा, अब लेस देन 9 नंबर आए, लेस देन 9 नंबर आए, ऐसा तो हमेशा होगा, कोई भी नंबर लो, कोई ना कोई एक तो आना है इसमें से, या तो 1 आएगा, 2 आएगा, 8 तक आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें बताओ कि नंबर लेस देन 9 होना चाहिए, तो वो सारे नंबर इसमें आ सकते हैं, तो ये 8/8 हो जाएगा, ये हमारा कितना हो गया यहाँ पर 1 प्रोबेबिलिटी जाएगी। इसको और क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, श्योर इवेंट इसको बोलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। 13 हमारा कह रहा है कि अ डाई इज थ्रोन वंस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर। तो एक हमने जो डाई है उसको हमने थ्रो किया, अब आप सबसे पहले आपको लिखना है इसके आउटपुट्स क्या क्या हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6, इसमें से कोई भी एक आउटपुट हो सकता है यहाँ पर। अब ये जो आउटपुट्स हमारे आ रहे हैं, हमसे पूछ रहे हैं कि देखिए सबसे पहले आपका काम होगा प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना, और यहाँ पर जो टोटल आउटपुट्स होंगे वो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 6 हो जाएंगे, क्योंकि टोटल्स की ज़रूरत पड़ती है हमें यहाँ पर हमेशा। तो फर्स्ट कह रहा है कि प्राइम नंबर आए, क्या है प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ से सबसे पहले आपको नीचे टोटल 6 करना है, इसमें प्राइम नंबर बताओ कौन कौन से, प्राइम नंबर 1 कभी नहीं होगा, तो 2 होगा, 2 के बाद आपका क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 के बाद आपका 5 हो जाएगा, तो प्राइम नंबर्स आपके कितने होंगे, 3 होंगे, तो प्राइम नंबर्स देखिए या तो 2 आ जाए, 3 आ जाए, या 5 आ जाए, कोई भी एक आ जाए आपका प्राइम नंबर हो गया वो, ठीक है। तो यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू हो जाएगी 1/2। सेकेंड की अगर हम बात करें, सेकेंड क्वेश्चन की, तो कह रहे हैं नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो नंबर जो होना चाहिए वो बिटवीन 2 एंड 6 होना चाहिए, ध्यान रखना बिटवीन बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ नीचे तो 6 होगा, 2 और 6, तो 2 और 6 के बीच में, तो 2 नहीं ले सकते और 6 भी नहीं ले सकते, तो बीच वाले जो 3 होंगे इनको लेंगे, तो 3/6 हो जाएगा, ये भी इसकी भी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1/2। थर्ड देखें, कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी आपको बताना है ऑड नंबर की, तो ऑड नंबर बताओ कौन से हैं, 1 है यहाँ पर, 3 है एंड 5 है, तो नीचे 6 होगा, ऊपर भी कितना हो जाएगा 3, नंबर्स कितने, ऑड नंबर्स कितने, 1, 3, 5, 3 नंबर्स हैं, तो 3/6 ये आपका क्या होगा, 1/2 उसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। 14 जो कह रहा है, 1 कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम द वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, तो हमारे पास क्या है, 52 कार्ड्स हैं, ठीक है। देखिए वो वीडियो ज़रूर देखें आप, अगर आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो आपको थोड़ी सी कंसेप्ट में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन तो यहाँ समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर आप उतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे क्वेश्चन को, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, इससे पहले जो मैंने वीडियो अपलोड किए, 52 कार्ड्स हैं। अब आपको पता है, जब भी आपके कार्ड्स की बात हो तो आपको पता होना चाहिए ब्लैक कलर कितने होते हैं, रेड कलर कितने होते हैं, क्या क्या होता है पूरा, है ना। अब उसको अगर आप पता होगा तो यहाँ आप अच्छे से निकाल सकते हैं। फर्स्ट वाला देखो, फर्स्ट वाले में क्या हो जाएगा, अ किंग ऑफ रेड कलर, तो आपके पास क्या होना चाहिए, किंग होना चाहिए, और किस कलर का होना चाहिए, वो रेड कलर का होना चाहिए। अब देखो नीचे तो 52 आएगा, आपको सबसे पहले क्या करना है, वो फॉर्मूला लिखना है, ठीक है। विदाउट फॉर्मूला ये क्वेश्चन आएगा तो 4 नंबर का आएगा, 4 मार्क्स है, और आप अगर फॉर्मूला लिखेंगे तो एक नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, फॉर्मूला नहीं लिखा तो आपका एक नंबर कट जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 52 यहाँ पर कितना है, 52 किंग रेड कितना है, देखिए 52 नीचे टोटल आ जाएगा, ऊपर करें कि किंग होना चाहिए और रेड कलर का होना चाहिए। अब मुझे बताओ रेड कलर के कितने किंग होते थे, वहाँ पर 2 किंग हुआ करते थे, क्योंकि एक किसका होगा, हार्ट का होगा, एक डायमंड का किंग होगा, बाकी 2 ब्लैक कलर के होंगे,
तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/26, ठीक है। सेकंड दो, सेकंड देखिए ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी ऊपर वाली, है ना, ये आपको क्लियर आना चाहिए। अब कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या वो फेस कार्ड हो। अब आपको पता नहीं कितने फेस कार्ड्स होते हैं उसके अंदर। अब इनसे कलर वलर की बात नहीं कि नीचे तो 52 आएगा, लेकिन टोटल फेस कार्ड कितने होते थे, 12 होते थे। इसको सॉल्व कर लो, 4 से डिवाइड कर दो तो 4 थ्री जा एंड 4 वन जा 4 थ्री जा, ठीक है, ठीक है, 3 भाई क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। थर्ड देखें आप, थर्ड अगर आप देखेंगे, थर्ड कह रहे हैं कि आ रेड फेस कार्ड। अब देखो यहाँ पर ऊपर तो फेस कार्ड था, लेकिन यहाँ कह रहे हैं रेड फेस कार्ड। तो रेड फेस कार्ड आपको पता होना चाहिए, रेड फेस कार्ड कितने होते हैं। तो ये टोटल 12 में 6 रेड हो जाते हैं और 6 ब्लैक हो जाएंगे। तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका हो जाएगा, ये इसका हाफ, इसका कर दो आप 2 से डिवाइड कर दो तो 3 और 26 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्या कर रहा है, नेक्स्ट 4 में कह रहे हैं अ जैक ऑफ हार्ट। तो जैक ऑफ हार्ट आना चाहिए, देखो एक तो जैक होना चाहिए और किसका होना चाहिए, जैक ऑफ हार्ट का जैक होना चाहिए। तो हार्ट के जैक कितने होते हैं, ओनली 1 जैक होगा और वही नहीं, 1/52 हो जाएगा, हार्ट ऑफ जैक, बस ओनली 1 जैक। अब देखें फिफ्थ देख लें, कह रहे हैं कि स्पेड हो, वो कार्ड क्या हो, स्पेड हो, स्पेड का कार्ड हो। स्पेड के कार्ड कितने होते हैं, 13 कार्ड होते हैं स्पेड के, 52 आपका नीचे हमेशा रहेगा। स्पेड के जो कार्ड होंगे, देखिए इसमें रिप्लेसमेंट नहीं किएगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट हो, इसमें रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, विदाउट रिप्लेसमेंट हो तो आपको क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पर तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, इसका आंसर आपका हो जाएगा 1/4, 3×52 होता है, ठीक है, 13×4=52। अब यहाँ पर अगर देखें द क्वीन ऑफ डायमंड, तो हमारे पास क्या होनी चाहिए, क्वीन होनी चाहिए और किस क्यों नहीं, डायमंड। अब मुझे बताओ डायमंड में कितनी क्यों होती है, डायमंड में जो क्यों होती है ओनली 1 होती है, 1/52, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1/52। अब हम देख लें क्वेश्चन नंबर 15 देख लें, 15 आपका हो जाएगा, 5 कार्ड्स के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो 5 कार्ड्स हमारे पास क्या है, एक हमारे पास 10 है, एक हमारे पास जैक है, और क्या हमारे पास क्वीन है, हमारे पास किंग है, एंड हमारे पास क्या है, एंड एस। ये हमारे पास 5 कार्ड्स हैं, क्या है, 5 कार्ड्स हैं, दीज आर 5 कार्ड्स, ओके। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। तो फर्स्ट में कह रहे हैं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, इस इन यहां से हम एक कार्ड निकाल लें, 1 कार्ड इज, अब 52 कार्ड नहीं, 1 कार्ड इज पिक्ड अप, तो यहां से हमने क्या किया, 1 कार्ड को पिक्ड किया। अब यहां से कह रहे हैं 52, ये पैक नहीं, पैक ऑफ 52 कार्ड्स नहीं है, बिल्कुल नहीं, यहां सिर्फ ओनली 5 कार्ड्स हैं। हमने उन 52 कार्ड में से 5 कार्ड निकाल लिए अलग से और उनमें से फिर निकाल लें, ठीक है। तो कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज क्वीन, तो यहां पर क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो देखो सबसे पहले फॉर्मूला आपको लिख लेना है पहले, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, नीचे तो हमारा कितना होगा, 5 होंगे। अब क्वीन यहाँ पर कितनी, ओनली 1 है, तो 1/5 हो जाएगा। सेकंड जो आ रहा है, सेकंड होगा प्रोबेबिलिटी जो होती है वो हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ पर सेकंड में व्हाट इज द इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड। तो हमने क्या करा, क्वीन को निकाला और उसको अलग से रख दिया, ठीक है, एक तरफ रख दिया। अब हम बात करते हैं, तब हमें बताना है कि अब जो होगा आपको बताना है कि और सेकंड कार्ड इज पिक्ड अप। हमने एक और कार्ड निकाला, हमने जो क्वीन का कार्ड निकाला उसको निकाल के एक तरफ रख दिया। अब जब इनमें से क्वीन हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या, अब कितने कार्ड बचेंगे, ओनली 4 कार्ड बचेंगे, ये वाले 4। फिर पूछ रहे हैं कि अब बताओ कि एस होने की प्रोबेबिलिटी बताओ, तो बताओ एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होती है। बहुत ही ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इंपॉर्टेंट टिक लगा लें, ठीक है। एस यहाँ नीचे क्या होगा, 4 होगा, ठीक है, 4 ही तो बचेगा क्योंकि एक तो निकाल के हमने अलग निकाल दिया। अब करें कि एस आने की, एस कितने, ओनली 1 है, तो 1/4 हो जाएगी। अब जो इसका सेकंड पार्ट है, ये तो ए हो गया, ये और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो कह रहे हैं अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी बताओ, देखो क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, देखिए नीचे तो 4 होगा, इन ऊपर बताओ क्या यहाँ पर अब कोई क्वीन है, यहाँ ये तो हमने निकाल के हटा दिया, ये तो है ही नहीं, तो अब यहाँ पर कोई क्वीन है नहीं, 0, तो इसके आने की प्रोबेबिलिटी क्या, 0। ये क्या हो जाएगा, इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा, जो चीज़ है ही नहीं तो उसका होने की प्रोबेबिलिटी क्या पूछ रहे हो, होगी नहीं कभी, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16, कह रहे हैं 12 डिफेक्टिव पेंट्स आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद। तो यहाँ पर देखो हमने क्या करा, हमने 132 जो गुड पेन है, गुड वंस, एंड यहाँ पर कितने हैं, 12 जो हैं वो डिफेक्टिव है, क्या है ये, डिफेक्टिव है, इनको मिला दिया तो कितना हो जाएगा, 144 होगा टोटल, टोटल कितना हो जाएंगे, 144, ओके, इनको मिला दिया।
अब हमसे कह रहे हैं मिक्स कर दिया, इट इज नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट द पेन। अब ये पॉसिबल नहीं है कि पेन को तुम देखो और बता दो कि ये सही है, ये डिफेक्टिव है, ये गुड वन वाला है, नहीं बता सकते। वन पेन, अब यहां से हमने क्या करा, वही सेम कहानी है उसमें, है ना। वन पेन इज पिक्ड अप या टेकन आउट, ठीक है। अब हमें बताना है, डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन इज टेकन आउट इज गुड वन। पेन जो होना चाहिए वो गुड वन होना चाहिए, सही वाला पेन यहाँ पर होना चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी बताना है कि पेन क्या हो, गुड वन हो। तो मुझे बताओ, देखिए सबसे पहले आपको वही काम करना है, आप हमेशा याद रखना है प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला। उसके बाद प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला गुड वन होने के लिए, क्योंकि इसमें थ्योरी, इसमें जो कैलकुलेशन होती है बहुत कम होती है, टोटल तो हमेशा नीचे आएगा, लेकिन गुड वन कितने, 132 गुड वन है। तो आप इसको सॉल्व कर लें इसको, 4 से ही कट जाएगा, हाँ 4 से कट रहा है ये, ठीक है। 4 3 जा 4 3 जा और 4 3 जा 4 6 जा, ठीक है। अब ये 3 से फिर कट जाएगा तो 11 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, ठीक है। 11 डिवाइड बाई 12 आ जाएगा, 11 डिवाइड बाई 12, तो 12 बन जाए, हाँ ठीक है, 11 डिवाइड बाई 12 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा, ओके। चलिए अब नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 17 क्या करा है, अ लॉट ऑफ 20 बल्ब्स कंटेन 4 डिफेक्टिव। अब 20 बल्ब्स हैं यहाँ पर हमारे पास, 20 बल्ब्स हैं, इन 20 बल्ब्स की लॉट में 4 डिफेक्टिव हैं। 4 क्या हैं, डिफेक्टिव्स, 4 क्या डिफेक्टिव, तो 16 क्या हो जाएंगे, 16 गुड हो जाएंगे जो सही है, ठीक है। वन बल्ब इज ड्रॉन फ्रॉम द लॉट, यहां से हमने क्या करा, एक बल्ब को निकाल लिया, वन बल्ब इज ड्रॉन या टेकन आउट। क्या ना, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज डिफेक्टिव, प्रोबेबिलिटी बताना है कि बल्ब क्या हो, डिफेक्टिव हो, डिफेक्टिव होना चाहिए वो। अब मुझे बताओ नीचे क्या होगा, टोटल 20 होगा, डिफेक्टिव वाले कितने, 4 डिफेक्टिव में 4/20 हो जाएगा, तो इसका आंसर 1/5 हो जाएगा, समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट कह रहे हैं, सपोज द बल्ब इज ड्रॉन, फर्स्ट इज नॉट डिफेक्टिव, जो हमने बल्ब को इसको ड्रॉ किया ये डिफेक्टिव नहीं है, इज नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, इसको रिप्लेस भी नहीं किया, इसका मतलब ये डिफेक्टिव नहीं है, तो ये क्या होगा, गुड वन वाला होगा। तो हमने निकाला इसको, एक तरफ रख दिया, इधर रख दिया है ना इस बल्ब को, ठीक है। अब मुझे बताओ तो यहाँ से क्या होगा, गुड वन में से एक कम हो जाएगा, वो डिफेक्टिव नहीं है मतलब गुड वन, तो 15 बचे, लेकिन टोटल में से भी एक कम करोगे तो कितना बचेगा, टोटल में से 19 बचेगा ये। अब 19 में 4 डिफेक्टिव हो गए और 15 गुड हो गए, अब क्योंकि एक जो निकाला था वो गुड था, उसको निकाल के मैंने एक तरफ रख दिया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब आपको बताना है कि बल्ब डिफेक्टिव नहीं है, इसका मतलब बल्ब गुड वाले बल्ब की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट बल्ब इज गुड और नॉट डिफेक्टिव, बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव। तो नीचे आपका अब 19 आएगा, 20 मत कर देना ध्यान से भी, है ना, क्योंकि जो बल्ब निकाला उसको एक तरफ रख दिया, वो कौन सा था, गुड वन वाला था, और ये कितना हो जाएगा 15, तो 15/19 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं 18, तो 18 में अ बॉक्स कंटेन 90 डिशेस, 90 डिस्क हैं उसके बॉक्स के अंदर, 90 डिस्क हैं। अब ये 90 जो डिस्क हैं इसके, इसमें जो नंबर्स हैं कितने, 1 to 90 तक नंबर्स हैं ये, 1 to 90 तक, 1, 2, 3 से लेकर 90 तक। इफ द डिस्क इज ड्रॉन फ्रॉम द बॉक्स फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बी एस 2-digit नंबर, क्या हो ये 2-digit नंबर हो उसके पास, 2-digit। अब यहाँ से हमने क्या करा, एक डिस्क को निकाला, अब देखो यहाँ से देखो इन नंबर्स को हम डिवाइड कर रहे हैं, 1 to 9 कर रहे हैं और फिर 10 to 90 कर रहे हैं, तो ये तो 2-digit नंबर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 2-digit, कितने नंबर हैं ये 2-digit नंबर्स हैं, ये कितने 81 है, ध्यान रखना 10 भी है, 90 मत कर देना, ये कितने हमारे 1-digit नंबर 9 नंबर्स हैं। तो हमें बताना है फर्स्ट केस में कि 2-digit नंबर हो चाहिए, फर्स्ट में प्रोबेबिलिटी बताना है कि क्या हो, 2-digit हो, 2-digit। तो 2-digit के लिए देखिए टोटल तो 90 आएगा, लेकिन 2-digit के लिए कितना 81, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 9/10 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। अब परफेक्ट स्क्वायर क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, सेकंड केस में कह रहे हैं प्रोबेबिलिटी होनी चाहिए किसकी, परफेक्ट स्क्वायर होने की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है। देखो नीचे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका 90 आ जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर कब होगा, देखिए 1 परफेक्ट स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर करोगे तो 4 हो जाएगा, 3 का 9, ठीक है, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का
एट नाइन, नाइन का 81 और 10 का 100 हो जाएगा, जो हमारा नहीं आएगा। तो 1 to 9 तक हो गए, तो हमारे ये कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे ऊपर, ठीक है, क्योंकि एक नंबर ये हो गया, ये 1 का, ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 हो गए, तो 9 by 190, इसको लिख लो 1 by 10, इसको और भी सॉल्व करोगे तो 0.1 आ जाएगा, है ना, ऐसा भी आंसर दिया हो सकता है, 9 by 90 हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट उसकी, कि नंबर डिविजिबल बाई 5, तो नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5 होना चाहिए, नंबर क्या होना चाहिए, डिविजिबल बाई 5, तो 5 से डिविजिबल नंबर देखो, देखिए यहाँ देख, पहले मैं लिख लेता हूँ डिविजिबल बाई 5, डिविजिबल बाई 5, ठीक है, ये आपका हो गया नंबर, देखिए नीचे तो 90 आएगा, ऊपर लिखना है कितने नंबर ऐसे हैं जो 5 से डिविजिबल हैं, तो एक तो 5 हो जाएगा, ठीक है, 5 नंबर, तो ये 0 नहीं है इसमें, 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, ठीक है, 15, 20, ठीक है, 25, 5 का टेबल पढ़ लो, तो 5 से लेके कहाँ तक, 50 तक तो वो हो ही गया, 10 नंबर्स ये हो गए, फिर हमका हमारा हो जाएगा 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 और 90, तो ये हमारे कितने हो गए, ये हमारे कितने हो जाएंगे, 10 तक हो गए, और ये हमारे हमारे हो गए 6, तो हमारे क्या हो जाएंगे, 16 नंबर्स, तो 16, ठीक है, 16 नंबर हो गए। अब यहाँ से अगर आप देखोगे, ये हमारे 16 नंबर हो गए, 16 हो गई, नहीं 10 वो और 8 ये 18 हो जाएंगे, ठीक है, अब यहाँ से अब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, आप 18 टेबल पढ़ लो, कितनी हो जाएगी, 5 टाइम्स आ जाएगा, तो 1/5 हो जाएगा आपका, ठीक है, ओके, तो 1/5 आपका यहाँ पर आंसर हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, 19, क्वेश्चन नंबर 19 की अगर बात करें, तो 19 में अगर हम ध्यान दें, 19 क्या कह रहा है, अ चाइल्ड हैज अ डाइस हूज 6 फेसेस शोन शोन द लेटर एज गिवन बिलो, ठीक है, अब यहाँ पर जो ये दिए, देखिए ए बी सी डी ई, ए तक है ना, हमारा क्या दिया, ए बी सी डी ई, द डाइस इज थ्रोन, ये डाइस के फेसेस हैं, 6 फेसेस, अब ये 1, 2, 3 नहीं है, उस डाइस के फेसेस हैं, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी आपको बताना है, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी आना है गेटिंग ए, ए आ जाए, अब देखिए टोटल तो यहाँ कितने हैं, टोटल हमारे यहाँ पर कितने हैं, 6 है, टोटल 6 हो जाएंगे, तो नीचे तो हमें 6 आएगा, सबसे पहले आपको आपका काम है प्रोबेबिलिटी की वो डेफिनेशन लिखना, ए, अब मुझे बताओ नीचे 6 है, अब ऊपर ए कितने होंगे, फेवरेबल कितने, ए 2 टाइम्स आया, तो 2/6 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1/3, अगर सेकेंड पार्ट देख लो इसका, सेकेंड पार्ट हमारा क्या कह रहा है, सेकेंड पार्ट कह रहा है कि डी आने की प्रोबेबिलिटी दो, तो डी आने की प्रोबेबिलिटी बताना है, नीचे तो 6 ही होगा, और ऊपर देखो कि डी कितने बार है, डी ओनली 1 टाइम्स है, तो 1/6 हो जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 20 अगर आप करना चाहो तो कर लो, लेकिन मैं आपको जो है वो देखिए यहाँ लिखा है कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा नहीं, फिर भी चलो मैं करा देता हूँ आपको, ठीक है। अब 20 देखो, 20 में आपको एरिया का क्वेश्चन आना चाहिए, एरिया आना चाहिए। अब देखो यहाँ कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सर्किल डायमीटर 1, सर्किल का जो डायमीटर है वो 1 है। हम क्या कर रहे हैं, कोई कोई डाइस को थ्रो कर रहे हैं, डाइस को थ्रो वो कहाँ, देखिए हमने कोई भी डाइस है, ये डाइस है ना, इसको हमने क्या किया, थ्रो किया, तो ये कह रहे हैं कि ये डाइस जो है वो इसके अंदर जाके गिरे, है ना। अब देखो बाहर का एरिया क्या हो जाएगा, टोटल, तो टोटल एरिया कितना हो जाएगा, टोटल एरिया ऑफ रेक्टेंगल 3 × 6 कितना हो जाएगा, 6 meter square, ठीक है। अब इसका एरिया कितना हो जाएगा, सर्किल का एरिया, सर्किल एरिया, सर्किल का एरिया जो हो जाएगा वो पाई आर स्क्वायर होता है, पाई कितना, पाई को पाई रहने दो, आर कितना हो जाएगा, डायमीटर कितनी है, 1 meter है, तो 1/2 रेडियस हो जाएगी, तो हो जाएगा पाई डिवाइड बाई 4 हो जाएगा। अब इसकी प्रोबेबिलिटी निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालना है कि वो डाइस जो है वो सर्किल के अंदर गिरे, है ना, डाइस जो है वो कहाँ गिरे, सर्किल के अंदर, ठीक है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, टोटल एरिया, टोटल एरिया आपका कितना होगा, 6 हो जाएगा, ये कितना होगा, पाई डिवाइड बाई 4, तो यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा पाई डिवाइड बाई 24, क्योंकि ये इधर आके क्या हो जाएगा, पाई डिवाइड 4 × 6, ठीक है, तो 24 ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी, प्रोबेबिलिटी की कोई यूनिट नहीं होती है, आपको पता ही है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की, तो 21 हमारा है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल पेन्स विच, देखो 144 क्या है, यहाँ पर बॉल पेन्स है, बॉल पेन्स, इसके अंदर क्या है, ये कह रहे हैं कि 20 आर डिफेक्टिव है, तो गुड वन भी होंगे, बाकी क्या हो गए, गुड वन डिफेक्टिव, गुड कितने हो गए, 124 गुड्स हैं, गुड पेन, ठीक, गुड वन, नूरी विल बाई अ पेन इफ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाई इफ इट डिफेक्टिव, तो वो तभी नूरी जो है वो तभी
जो है वो पेन को बाई करेगी जब वो पेन अच्छा होगा। जब शॉपकीपर ने इसको ड्रॉ किया, यहाँ से ड्रॉ किया, ड्रॉ करने के बाद उसने उसको दे दिया, कह रहे हैं कि प्रॉब्लिटी था ना कि शी विल बाई। तो नूरी विल बाय वो पेन को बाई कर लेगी। इसकी प्रॉब्लिटी क्या देखिए, नीचे के अंदर टोटल होगा 144। अब गुड वन कितने 124। इसको आप सॉल्व कर लेना, सॉल्व करोगे तो ये किसका कट जाएगा आप बताओ, 4 से 4 3 4 बन जा और नीचे हो जाएगा 36। अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहे हैं, सेकंड पार्ट अगर आप ध्यान से देखोगे तो सेकंड पार्ट में कह रहे हैं कि वो बाई नहीं करे, नूरी विल नॉट बाय। ये भी प्रॉबलिटी आपको बताना है, इसका मतलब पेन क्या हो जाए, डिफेक्टिव निकल जाए, तभी तो वो बाई नहीं करेगी। फर्स्ट उसमें क्या हो, पेन क्या हो, सही हो, गुड पेन हो, इसीलिए तो वो बाई करेगी, अदरवाइज तो वो बाई नहीं करेगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या था हमारा, गुड पेन होना चाहिए, नॉट डिफेक्टिव। यहाँ क्या हो, अगर पेन हमारा डिफेक्टिव हो गया तब वो बाई नहीं करेगी, डिफेक्टिव पेन होना चाहिए यहाँ पर। तो इसके केस में क्या हो जाएगा, नीचे तो हमारा वही आएगा 144 आएगा और ऊपर क्या होगा हमारा 20 आ जाएगा। इसको 4 से डिवाइड करो, 4 5 और 4 36, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। ठीक है, इसके लिए आप जो है वो रेफ़र कर लें आपका जो एग्जाम्पल 13.1 है, फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझा दे रहा हूँ। देखो क्या करना है यहाँ पर, यह अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सम निकालना है डाइस पे, दो डाइस को थ्रो कर रहे हैं तो सम निकालना है आपको। अब दो डाइस को थ्रो करेंगे तो वन तो कभी नहीं आएगा, क्योंकि वन सम तो नहीं आएगा, दो डाइस के ऊपर दोनों डाइस के ऊपर एक पे वन आ रहा है एक पे टू आ रहा है, तो सम कितना, थ्री हो गया। तो वन तो कभी नहीं आएगा क्योंकि मिनिमम हर डाइस पे, दोनों डाइस पे मिनिमम कितना, वन वन होगा, तो मिनिमम जो सम होगा वो टू होगा। ऐसे ही मिनिमम सम 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है, 7 हो सकता है, 9 10 11। तो इसका आपको लिखना है, प्रोबेबिलिटी बतानी। तो ये ऐसा केस कितना, ओनली 1 होगा तो 1 डिवाइड बाई 36 होगी। 3 कब होगा, 3 जो सम आएगा वो कब कब आ सकता है, देखो जब फर्स्ट डाइस पे 1 आ जाए और उस पे 2 आ जाए, या फिर फर्स्ट डाइस पे 2 आ जाए इस पे 1 आ जाए, तो ऐसे कितने केस हो सकते हैं, दो केस हो सकते हैं। तो 2 डिवाइड बाई 36 हो जाएगा, यहाँ क्या हो गया, 2 डिवाइड बाई 36। इस केस में देखोगे तो 4 आना है, 4 कब आएगा जब 1 3 हो जाए और 3 1 आ जाए, दो केस ये हो गए। दूसरा क्या हो सकता है, 2 2 आ सकता है, भले पहली डाइस पे भी, क्योंकि ये ऐसा केस है, दो डाइस है ये इस तरह की। तो इस डाइस पे 1 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, इस पे 3 आ जाए, इस पे 1 आ जाए, इस पे 2 आ जाए, इस पे भी 2 आ जाए, तो कैसे कितने केस हो गए, 3 केस हो गए। तो 3 डिवाइड बाई 36, ऐसे ही आपको बाकी कर लेना है। मैं आपको देखिए इसका बता दे रहा हूँ कि 3 और इसका 5 के लिए 4 बाई 36 हो जाएगा, और अगर 6 वाले के लिए देखेंगे तो 5 बाई 36 होगा, 5 बाई 36 6 वाले के लिए, और 7 वाले के 6 बाई 36 हो जाएगा, 5 बाई 36, 4 बाई 36, 3 बाई 36। ये ऐसी आता है डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो जाएगा यहाँ से, 3 बाई 36 और 2 बाई 36। ठीक है, मैंने इसलिए मुझे याद था ये है ना, इसलिए मैंने लिख दिया, अदरवाइज आप ऐसे करें। ठीक है, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। अब यहाँ पर जो है नेक्स्ट देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, 23। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, करें कि अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 रुपी कॉइन 3 times। 1 रुपी कॉइन को 3 times वो क्या कर रहा है, टॉस कर रहा है। करेंगे नथिंग इट्स आउटकम ईच टाइम, ठीक है, एंड नोटिंग इट्स आउटकम, उसका जो नोट आउटकम से उसको क्या कर रहा है, नोट कर रहा है। अब एक कॉइन को चाहे तो आप 3 times टॉस करो या फिर 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, बात एक ही है। कॉइन में देखो इसने क्या करा कि एक कॉइन ली, उसको 3 बार टॉस किया, ऐसा कर सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो, आप 3 कॉइन को लो और एक साथ टॉस कर दो, ये ज़्यादा ऐसी होता है, तो ज़्यादा इजी होता है, इसलिए मैंने इसको लिया। अब कह रहे हैं कि 3 heads और 3 tails, हाँ ये कह रहे हैं कि ईच टाइम हनीफ जो है वो विन होगा जब ऑल द टॉसेस गिव सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट देंगे, या तो हेड देगा या लॉसेज, अदरवाइज कैलकुलेट करना है कि हनी विल लॉस द लूज द गेम, तो वो गेम को लॉस कर दे। अब देखो इसके लिए मैंने आपको बताया था वहाँ पर, जब मैंने लास्ट उसमें बताया था, जब लास्ट वाला जो हमारा वीडियो था उसमें मैंने आपको इसके बारे में बताया था, आउटकम्स के बारे में, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल टेल, हेड हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल, हेड टेल। अब वो कह रहा है कि वो तभी जीतेगा, हनीफ विंस ओनली इफ, जब 3 heads हैं और 3 tails हैं, सेम आउटपुट आना चाहिए। तो इस केस में अगर आप देखोगे तो 3 head कब होंगे, यहाँ पर नहीं,
और 3 टेल यहाँ पे, बाकी तो कोई भी ऐसा केस नहीं। तो ये टोटल कितने हैं हमारे पास, 8 हैं। टोटल 8 आउटकम्स मैंने आपको बताया था, 2 × 2 × 2 × 2 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, ठीक है। ऐसी अगर आपका दो डाइस को थ्रो करें तो आउटपुट कितना होगा, 36 होंगे, 6 × 6 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि हनीफ के विन में तो ये, लेकिन लॉस कब होगा, इन में से कोई भी एक आ जाए, मतलब इन सिक्स में से कोई भी एक आ जाए, हनीफ जो है लॉस कर देगा अपना गेम को, गेम को वो हार जाएगा, वो हनीफ क्या हो जाए, लॉस हो जाए गेम को। तो उसके लिए टोटल आपको क्या करना है, यहाँ पर टोटल 8 लिखना है, टोटल तो 8 है और लॉस होने की प्रोबेबिलिटी उसकी कितनी, 6 ऊपर हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 3/3 आपका क्या हो जाएगा, 3/4, ठीक है, 3/4 आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं 24 क्वेश्चन को। 24 क्वेश्चन में कह रहे हैं यहाँ पर कि अ डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, अब डाइस को दो बार थ्रो करो या फिर दो डाइस को ले लो और टू डाइस को एक साथ आपको टॉस करना है। यही मैंने अभी बताया था उस वाले केस में, कॉइन के केस में, ये दो डाइस ले ली, अब इसके आउटकम्स कितने होंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसके भी कितने होंगे, सेम होंगे, तो इसके आउटकम्स कितने होंगे, 6, इसके भी आउटकम 6 हो गए, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, 6 × 6 = 36, अभी इतना समझ में आ गया। अब हम कह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एंड 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 5 ऊपर नहीं आना चाहिए, 5 ऊपर नहीं आना चाहिए और 5 विल कम एट लीस्ट वंस, तो पहले हम सेकंड वाला कर लेते हैं कि 5 कम से कम एक बार आए, तो 5 कब आएगा, 5 कब आएगा, ध्यान रखिएगा यहां पर, 5 विल कम एट लीस्ट वंस, तो 5 कब आएगा, देखिए यहां पर 1 हो जाए, सेकंड पे 5 आ जाए, है ना, यहां 2 हो जाए, यहां 5 आ जाए, फर्स्ट डाइस की बात करें, ये इसके लिए फर्स्ट के पहला वाला 3 आ जाए, 5 आ जाए, तो कम से कम एक बार तो आ रहा है, 4 आ जाए, 5 आ जाए, क्या हम ये ले सकते हैं, 5 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, 6 5 ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं, या फिर ऐसा हो जाए कि 5 फर्स्ट पे आ जाए और दूसरे 1 आ जाए, या 5 2 आ जाए, 5 3 आ जाए, 5 4 आ जाए, 5 5 आ जाए, तो क्योंकि ये दोनों सेम हो गए तो किसी एक को लेंगे, दोनों को नहीं लेंगे, 5 6 आ जाए। अब मुझे काउंट करके बताओ ये कितने, टोटल 11 हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, तो कह रहे हैं कि 5 विल कम एट लीस्ट वंस, यहाँ तो एक बार आए या फिर दो बार आ सकता है, तो दो से ज़्यादा नहीं आ सकता, तो 5 एट लीस्ट वंस आए उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 5 एट लीस्ट वंस, एट लीस्ट वंस, है ना, एट लीस्ट वंस 5 आए, तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 11 तो हमारा आ रहा है, टोटल कितना हो जाएगा, 36, तो 11/36 यहाँ पर आंसर हो जाएगा। पहले आपको फॉर्मूला लिखना, ध्यान रखिएगा, अब फर्स्ट कर लेते हैं, अब जो बाकी बचे उसमें 5 आएगा ही नहीं, उसमें एक भी बार नहीं आएगा, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, 5 एक भी बार नहीं आया, फर्स्ट ही तो कह रहा है, इसलिए अब क्योंकि वो नंबर्स कितने 25 हो रहे थे, तो आपको काउंट करना बड़ा मुश्किल होता है ना, तो 5 विल नॉट कम, 5 विल नॉट कम आइदर टाइम, लिख सकते हो ये चीज़ है ना, आइदर टाइम या किसी एक पे भी नहीं आया, है ना, तो देखियो यहाँ पर कितना, या तो आप ऐसा कर सकते 1 − P5 कर सकते हो, 1 − P5 आ जाए कम से कम एक बार, और 5 एक भी बार नहीं आया, तो आप एक तो टोटल प्रोबेबिलिटी से कर सकते थे, दूसरा क्या है, यहाँ 36 आएगा, ऊपर कितना होगा, 36 टोटल है, उसमें 11 ऐसे हैं जो हमारे नंबर्स जिसमें 5 आ रहा है, 11 आउटकम्स ऐसे हैं जिसमें 5 आ रहा है, तो कितने बचेंगे, 25/36 हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो गया यहाँ पर, ठीक है, तो 11/36 हमारा हो गया। 25 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, और लास्ट क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, ऑप्शनल हम नहीं करेंगे आज, ऑप्शनल फिर कभी अगर आप कमेंट में बताओगे, अगर आपको ज़रूरत है तो मैं ऑप्शनल करा दूंगा आपको, है ना। अब देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्गुमेंट्स करेक्ट और विच इज़ नॉट करेक्ट, ये आपको बताना है। देखो तो फर्स्ट कह रहे हैं कि इफ़ 2 कॉइन्स आर टॉस साइमल्टेनियसली देन 3 पॉसिबल आउटकम्स, कह रहे हैं कि 2 कॉइन को हम टॉस करें तो पॉसिबल आउटकम्स कितने 3 होंगे, तो ये गलत है, क्यों गलत है, आउटकम्स कितने होते हैं, हेड टेल, टेल हेड, हेड हेड और टेल टेल, 4 आउटकम आते हैं। इन्होंने क्या करा, इसको इन्होंने एक मान लिया है ना, ये कह रहे हैं देखो 2 हेड्स आते हैं, बिल्कुल सही बात है, 2 हेड्स आते हैं, ये इन दोनों को एक मान लिया है, इन दोनों ऊपर वालों को, ठीक है, ये दोनों नहीं, ठीक है, तो इन दोनों को हेड टेल और टेल हेड को एक मान लिया है, 2 हेड्स आ गए, बिल्कुल सही बात है, फिर आपका क्या हो जाएगा, 2 टेल्स आ जाएंगे, बिल्कुल सही है, वो कह रहे हैं कि 1 ऑफ ईच, तो इन दोनों को इन्होंने एक माना है, जो गलत है, क्योंकि हेड टेल एंड टेल हेड दोनों अलग चीज़ें हैं, ठीक है, दोनों अलग आउटकम्स हैं, तो यहाँ पर ये इनकरेक्ट हो जाएगा फर्स्ट वाला। सेकंड कह रहे हैं इफ़ द डाई इज थ्रोन, हमने डाई को थ्रो किया, ये हमने डाई को थ्रो कर दिया, आपको पता है कि आउटकम्स क्या कितने आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ सकते हैं,
एंड ऑड नंबर, ऑड नंबर क्या आ सकता है 135 आ सकता है, इवन नंबर क्या आ सकता है 246 आ सकता है, ये इवन नंबर हो गया, टोटल कितना हो गया आपके 6 हो गए। तो कह रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑड नंबर क्या है 1/3, 1/2 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड नंबर की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी बताओ मुझे, 6/3 भाई ऑड नंबर ही हो गए, 3 हो गए, ये नंबर कितने हैं 3 नंबर्स हैं, इवन नंबर भी 3 है, तो कितनी हो जाएगी 1/2 हो जाएगी। अगर हमसे यहाँ कह रहे हैं कि इवन नंबर की, तो इवन नंबर के लिए कितनी हो जाएगी 3/6 मतलब 1/2 हमारा यहाँ भी ये सेम आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सेकंड वाला आपका क्या है करेक्ट है, फर्स्ट वाला आपका इनकरेक्ट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। तो ये मैंने जो है वो सारे क्वेश्चन आपको करा दिए, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और इसको आप दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप इसको लाइक कर सकते हैं अगर आपको सच में पसंद आई ये वीडियो। इफ़ यू रियली एंजॉय दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। आने वाले टाइम में मैं क्लास 10th की जो वीडियो बनाऊंगा उसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर करूँगा, क्योंकि कुछ ये तो छोटी सी एक्सरसाइज थी, कुछ एक्सरसाइज जो है उसमें जो है वो बहुत बड़ी बड़ी एक्सरसाइज हैं, तो उनको मैं अभी कंप्लीट नहीं करा, अभी मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराऊंगा। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट मुझे लगेंगे वही वही मैं करा दूंगा और आपके लिए वो हेल्पफुल होंगे, काफ़ी ज़्यादा आपका कवर हो जाएगा। ये उन स्टूडेंट के लिए बहुत अच्छा है जो एवरेज है, जो थोड़े अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, जो फेल हो रहे हैं, या फिर जो मतलब इंपॉर्टेंट में आपको एक आइडिया लग जाएगा कि कौन किस पर आपको ज़्यादा फोकस करना है। वैसे तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो पूरे साल पढ़ नहीं पाते हैं और उन्हें लग रहा है कि नहीं मुझे पास होना है या फिर मुझे एटलीस्ट एवरेज नंबर लेके आना, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं ये सारी। ठीक है, तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।